नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास कार्यक्रम की ओर, सरकार की बात जनता के साथ, यानी कि सरकार की वो बातें जो अब तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाई, या उन योजनाओं की बात करें जो अब तक सिर्फ किताबों में या कागज के पन्नों पर अंकित है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी योजनाएं जो आपके लिए लाभदायी बन सकती है और उन योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। हमारे बीच में आज इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के साउथ इंडियन सेल के पदाधिकारी हैं, और इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दोनों तीनों मौजूद हैं, जो कि एक स्तंभ हैं हमारे बीच में, जो कि आम आदमी पार्टी के उस तबका के लिए जो कि प्रवासी हैं, अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में अपना रोजगार और अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार की बात जनता तक कैसे पहुंचे। तो अब हम बात करते हैं सरकार की, और सरकार की उन बातों को शुरुआत करेंगे दिल्ली के साउथ इंडियन सेल के संगठन मंत्री KS जी सेठी से। दिल्ली सरकार ने आने से पहले जो प्रॉमिस किया है वो सही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश की। फॉर एग्जांपल आपका मोहल्ला क्लिनिक जी, विच इज़ हेल्पफुल टू एवरीबडी, और दूसरी चीज़ है एजुकेशन। हमारा भारत देश स्वतंत्र मिलने के बाद एजुकेशन ना होने की वजह से काफ़ी नुकसान में रहा जी। तो आज हम लोग का जो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया दिल्ली सरकार का, जैसा कोई स्टेट का स्टेट में नहीं हुआ। इसलिए हम आम आदमी पार्टी से बहुत खुश है, क्योंकि जो बोले वो करने का, इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग नया पार्टी है, ज़्यादा बड़े बहुत सालों से नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत ही अच्छी है कि इसी तरीके से हमारा हर स्टेट में काम होएगा, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा हमारा जनता के लिए, भारतीय का प्रजा प्रभा भारतीय का प्रजा लोग है वो इम्प्रेस हो गए। क्योंकि लेकिन एक बात है, इधर क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी पुअर, बिकॉज आजकल क्या होता है कि जो भी आदमी सत्ता में है वो उनका पार्टी का जो एक्सप्रेस करने के लिए वो हजारा गवर्नमेंट का इसको इस्तेमाल करता है जी। वो अपोजिशन पार्टी को एक्सप्रेस करने के लिए चांस नहीं देता है जी। इसके वजह से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा, तो उस आगे बढ़ा कार्यकृत हो रहा है, लेकिन पब्लिक को समझ नहीं आएगा, वो इतना पुरुषोत्त भी नहीं है स्टडी करे आम आदमी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है जी। ये कॉमन मैन को क्या है, आज का रोजी रोटी का ना इससे छोड़ के क्या है, वो इम्पोर्टेंट है पहले, ये तो सेकेंडरी, ये सारा सेकेंडरी है पार्टी जो है। लेकिन लोग, हर आदमी अपने आप से, महात्मा गांधी जी ने बोला था सच्चाई बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हर आदमी सच्चाई होगा तो हमारा कंट्री में प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा मानना है जी। तो सरकार की उन योजनाओं में एक कड़ी और भी है, जो कि दिल्ली प्रदेश के साउथ इंडियन सेल के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, RKP साहब, और हम इनसे जानेंगे कि सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट पर, यानी कि जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का क्या क्या कुछ प्रयास चल रहा है और क्या क्या कुछ है। सरकार की बात जनता के साथ, इसमें मेरा ये निवेदन है, प्रार्थना है आप लोगों से, जो भी योजना आजकल दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो सारा योजना आम आदमी पार्टी तक नहीं पहुंच रहे। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में सारा हॉस्पिटल में अब आजकल सारा फ्री फैसिलिटीज़ विद दवाई भी फ्री कर दिया, सब कर रहे। और अगर कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ हो गया तो उसको भी फ्री ट्रीटमेंट है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो भी, अगर प्राइवेट
हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका भी बिल बिल वगैरह वो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका भी सुविधा आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में आजकल दिल्ली में पूरा गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल से अच्छा फैसिलिटीज दे रहे और शिक्षा दे रहे, बाहर से भी दुनिया से भी लोग आके दिल्ली का स्कूल को देख रहे और हॉस्पिटल वगैरह देख रहे। लास्ट वीक में भी हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप के लिए बाहर से ऑस्ट्रेलिया से यूएस से लोग आया था और स्कूल देखने के लिए लोग आया था। मैं और भी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ सबसे, गुरुद्वारा चर्च कमेटी और RWEA एसोसिएशन, कन्नड़ा संगम, तमिल संगम, मलयाल संगम और जो भी है दिल्ली वासियों, इसके लिए ये सुविधा मिलने के लिए कोशिश कर दीजिए। अगर कोई कहीं भी प्रॉब्लम आ गया तो, अगर कहीं भी आपको ये नहीं मिले है तो हमारे लिए संपर्क करो, हम आपको दिलवाने के लिए हमारी तरफ से हमारा टीम पूरा तैयार है।